वेलकम टू हमारी रसोई। आज हम बनाने जा रहे हैं खस्ता मीठी टिकिया। तो हम स्टार्ट करते हैं। 500 ग्राम हमने मैदा लिया है, उसमें हमने थोड़ा घी डाला है मेल्टेड। अब हम उसे मोइन करेंगे। अच्छे से हमें दोनों हाथों से इसे मिलाना है ताकि हमारी टिकिया काफी खस्ता और अच्छी बने। दोनों हाथों से बिल्कुल, हमने इसमें आधा कटोरी से भी कम मेल्टेड घी डाला है और उसे हम अभी मोइन कर रहे हैं। दोनों हाथों से मिलाते हुए अब हमारा मैदा अच्छे से मोइन हो गया है। अब मैं आपको इसमें दिखाती हूँ कि ये कैसे, अगर हो गया तो कैसे पता चले। ऐसे हमें मुट्ठी बांधकर देखनी है। अगर हमारा आटा जम गया तो मतलब ये बिल्कुल हो गया है। अब हमें इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे। ये 4 टेबलस्पून रवा है, इसमें हमें अभी मिक्स करना है। और वो है इलायची पाउडर 1 टेबलस्पून, ये हमें इसमें डालना है। ये है 1 कटोरी ग्रेटेड नारियल, ये भी हमें इसमें डालना है। और वो है सफेद तिल, ये भी 2 टेबलस्पून सफेद तिल है, ये भी हमें इसमें डालनी है। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिए, तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें पिसी हुई शक्कर मिलाएंगे। ये 2 कटोरी पिसी हुई शक्कर है, मैंने नॉर्मल शक्कर को मिक्सर में ग्रेट कर लिया है, तो ये पिसी हुई शक्कर इसमें हमें पूरी मिलानी है। अब हमें इसे मिक्स करना है। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर दिए, शक्कर भी हमने इसमें मिला दी है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंदेंगे। इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंदना है, बिल्कुल भी आटा एकदम ढीला नहीं गूंदना है, हमें थोड़ा कड़ा आटा गूंदना है। तो हम धीरे धीरे पानी मिलाएंगे और धीरे धीरे से गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी मिला मिला के आप आटे को गूंदते जाए। धीरे धीरे गूंदना है ताकि आटा गीला ना हो और टाइट आटा बने। अब हमारा आटा गूंद के बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए, आटा बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, टाइट, इससे ज्यादा नरम नहीं होना चाहिए, वरना हमारी पूरियां खस्ता नहीं बनेंगी। तो अब हम इसे बेलना शुरू करते हैं। अब हमने इसके पेड़े बना लिए, बिल्कुल इसी साइज के पेड़े होने चाहिए, ज्यादा बड़े नहीं ज्यादा छोटे भी नहीं। अब हम इसे बेलेंगे। इसे बेलना शुरू करते हैं। चारों बाजू से हमें बिल्कुल बराबर बेलना है, ना मोटा ना पतला, अच्छे से बेल लेंगे हम इसे। बस इतना ही मोटा, आधा इंच मोटा होना चाहिए ये बेलने के बाद। अब हम इसे कट कर लेंगे। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं इसे राउंड शेप दूंगी क्योंकि ये राउंड ही होती है, और आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं। अब हम इसे एक ग्लास के मदद से काट लेंगे। कट करके तैयार कर ली है, ये देखिए आप, बिल्कुल ऐसा ही साइज होना चाहिए इसका। अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। तेल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ज्यादा ठंडा भी नहीं, बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। अब हम इसमें अपनी टिक्की को फ्राई करेंगे। एक एक करके हम जितनी इसमें आ सके उतनी डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब आप अपनी फ्लेम गैस की स्लो कर सकते हैं ताकि ये जल्दी ज्यादा जले ना और जल्दी पके और अच्छे से पके। ये देखिए, ये हमारी खस्ता पूरी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही कलर की होनी चाहिए, लाइट गोल्डन। ज्यादा हम इसे पकाएंगे तो ये कड़वी लगेगी। ये देखिए, हमारी खस्ता मीठी पूरिया बनके बिल्कुल तैयार है। कितनी अच्छी और गोल्डन गोल्डन दिख रही है और क्रिस्पी है। हम तेल से इसे निकालेंगे तो ये थोड़ी सॉफ्ट होगी, लेकिन जब हम निकाल के इसे प्लेट पे रखेंगे तो ये थोड़ी देर के बाद, ठंडे होने के बाद, क्रिस्पी बन जाएंगी। और ये अपनी लखनऊ और कानपुर की
बहुत ज्यादा वहां पे खाई जाती है और फेमस भी है, खस्ता मीठी टिकिया। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।